जय हिंद दोस्तों, सारण को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक की वीडियो है। तो सबसे पहले जिन निवेशकों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जिनका भी 20,000 से ऊपर है, वो लोग भी जो है री सबमिशन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो पोर्टल है वो फिर से जो है चालू होने लगा है, यानी फिर से जो है री अप्लाई होने लगा है। उसके पहले नहीं हो रहा था। उसके पहले 19,999 के अंदर वालों का जो है री सबमिशन पर री अप्लाई हो रहा था। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में जो है इसका पोर्टल चालू हो गया, यानी 20,000 वाले भी कर सकते हैं री सबमिशन पोर्टल पे री अप्लाई। तो इसके पहले आपको चेक करना है आपके स्टेटस में क्या दिक्कतें हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, आप लोग कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो भाई आप लोग बने रहेगा, तो आप लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल से जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या दिक्कत है, आप लोग को कैसे इसका स्टेटस देखना है। तो इससे पहले आपको इसमें टाइप कर देना है CRCS पोर्टल। ये देखिए दोस्तों, तीसरे वाले स्थान पे है, देखिए CRCS पोर्टल। तो हम जैसे लिखेंगे CRCS पोर्टल, ये देखिए आ गया है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए सबसे ऊपर जो है आपका साइट खुल के आ जाएगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए एक पॉपअप आ रहा है, तो हम यहाँ से क्रॉस का जो निशान दिखाई दे रहा है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जमा करता लॉगिन, तो हम इस पे जमा करता वाले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि आपको स्टेटस नहीं पता है तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करें, उसके बाद अभी मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद जो है आपका साइट खुल जाएंगे, तो नीचे यहाँ एक पट्टी में शो हो जाएगा एक साइड में, तो वहाँ आपको साफ साफ वहाँ से जो है पता चल जाएगा कि आपके स्टेटस में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कि किसके कारण जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपको क्या करना है सही करवा के फिर से जो है री अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग चेक करते रहिएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए आधार नंबर, जिनके नाम से बॉन्ड पेपर है उनका जो है आधार जो लास्ट वाला 4 अंक है उसको इसमें डालना है। उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, यदि आपका बॉन्ड पेपर है आपका आधार है तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर इसमें डालना है, क्योंकि उस पर एक OTP जाएगा, और जैसे OTP उसमें जाएगा उसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है आपका स्टेटस शो होने लगेगा कि आपके स्टेटस में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको वहाँ से क्लियर पता चल जाएगा। तो भाई आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये देखिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही कर लेना है। इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपको लाइव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो फिलहाल आपको ऐसे ही कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी था, आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी हमें अपडेट मिलेगी तो मैं आपको रिफंड के बारे में जो भी हमें अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जो भी था मैंने आपको बता दिया है, आप लोग कर सकते हैं, यानी जिनका भी 20,000 से ऊपर है वो लोग भी री सबमिशन पोर्टल पर जाकर री अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि चालू हो गया है, इसके पहले नहीं हो रहा था। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। जय हिंद।